जवाहरलाल नेहरू को भूले कांग्रेसी। नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण करने नहीं पहुंचा कोई भी बड़ा नेता। विधायक और शहर कांग्रेस कमेटी ने भी बनाई कार्यक्रम से दूरी। मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने दी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 91वीं पुण्यतिथि के मौके पर इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता साफ तौर पर नजर आई। दरअसल पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता नजर नहीं आया। इंदौर के मधुमिलन चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा पर गिनती के ही कांग्रेस कार्यकर्ता माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में ना तो कांग्रेस के किसी विधायक या पूर्व विधायक ने शिरकत की और न ही शहर कांग्रेस कमेटी का कोई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में नजर आया। कांग्रेस पार्षद छोटे यादव के अलावा सभी आला नेता कार्यक्रम से नदारद नजर आए। हालांकि जो कार्यकर्ता नेहरू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे वे पंडित जी के दिखाए मार्ग पर चलने की बात जरूर कहते रहे, लेकिन कार्यक्रम में कोई बड़ा नेता क्यों नहीं पहुंचा, इस बात का जवाब किसी भी कार्यकर्ता के पास नहीं था। हम लोग सब कांग्रेस जन उनकी प्रतिमा पे उपस्थित हुए हैं और हम सब कांग्रेस जनों ने मिलकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की है और हम सब कांग्रेस जन उनकी बताई हुई नीतियों पर चलकर जो उनके नेतृत्व में आधुनिक भारत का जो विकास हुआ है वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और हम लोग सब चाचा नेहरू के बताए हुए मार्गों पर चलकर देश को कैसे मजबूत हो और कांग्रेस पार्टी देश का नेतृत्व कैसे करे इसकी हम लोगों ने शपथ ली है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जहां एक ओर मुट्ठी भरी कांग्रेसी नेता मौजूद रहे तो दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी किसी भी नेता ने नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। अक्सर मंच से नेहरू जी का नाम लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेसी नेता भी नेहरू जी की पुण्यतिथि में माल्यार्पण करने नहीं पहुंचे। इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस नेता नेहरू जी को सिर्फ अपने भाषणों के जरिए ही याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।